everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Nehal, and as you all know that recently we have shifted into our new house. तो घर की शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी है, रॉ फ्लैट मैंने आपको दिखा दिया है, और बंजारा मार्केट का जो व्लॉग है क्या क्या मैंने शॉपिंग की थी वो भी आ चुका है मेरे चैनल पे. तो अभी जो ये व्लॉग है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ कुछ हमारे पास पुराने फर्नीचर्स हैं. सारा का सारा नया फर्नीचर खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो कई बार आपके पास ऐसी चीजें रहती है जिसको कि आप रीडू करके कुछ उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके उसको पूरा का पूरा रिनोवेट करके एकदम नया अच्छा लुक दे सकते हैं. तो ये जो वीडियो है इसमें मेरे पास एक टेबल है जिसको कि हम लोग अपने तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट करके रिनोवेट कर रहे हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज दिस टीवी टेबल. देयर आर लॉट्स ऑफ स्क्रैचेस. ये देखिए साइड्स में कॉर्नर्स पे ये ऑलमोस्ट 2.5-3 साल पुराना है टीवी टेबल. तो सबसे पहले इसको पेंट करेंगे. तो पेंट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें. सबसे पहले तो ये पेंट का बॉक्स है और ये वाइट कलर है. इसके बाद जो हमें चाहिए वो है ये थिनर, और ये एक थोड़ा मोटा वाला ब्रश और ये एक पतला वाला. इसके बाद जो है वो है ये सैंड पेपर, और ये एक प्लास्टिक का डब्बा जिसमें कि सारा कलर घोल करके मैं इसमें डालूंगी, और एक्स्ट्रा हो गया तो इसको वापस एयर टाइट में बंद भी कर देंगे. तो ये चीज़ें हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं इसको सैंड पेपर से थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ कि जो भी इसमें डर्ट हो वो निकल जाए और जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ हो जाए. तो ये फर्स्ट प्रोसेस है. तो ये पेंट हमारा रेडी है, इसमें हमने थोड़ा सा थिनर भी मिलाया है. ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी. और मैं आपको बता दूं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मैं खुद फर्स्ट टाइम कर रही हूँ. तो मैंने भी YouTube पे देखा है उसके बाद मैं कर रही हूँ. और आपको तब तक मैं टेबल भी दिखा दूँ. ये टेबल ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया मैंने सैंड पेपर से जितना मेरे से हो सकता था. अब ये इस पर पेंट स्टार्ट करेंगे. तो ये थोड़ा सा आउटकम अब दिख रहा है स्नेहल के एफर्ट्स का. तो स्नेहल अभी तक क्या क्या हुआ एक बार बताओगे? देखो इस पर मैंने अभी एक फाइनल कोट तो नहीं हुआ है, एक बस कोट लगा हुआ है पेंट का. और जो ये वाला स्पेस है ये और वो मैंने खाली छोड़ा है कि इस पर कुछ वॉलपेपर जैसा कुछ और लगाएंगे और फाइनल कोट इस पर होना बाकी है. और इसको एक बार सैंड पेपर से इसके बाद घिसेंगे भी, क्योंकि मुझे जो फाइन पॉलिश लुक है वो नहीं चाहिए, मुझे रॉ टेक्स्चर्ड लुक चाहिए. और ये एक ट्रे है, इसको हमने पेंट किया हुआ है अभी, हमने नहीं मैंने किया है. और ये है मेरे पास जो कि थोड़ा ख़राब हो चुका था, पुराना हो चुका था, इसको भी मैं केस को पेंट कर रही हूँ. कैसा लग रहा है बताओ मुझे? मुझे टेबल का फिनिश अच्छा है. इसके ऊपर एक बार सैंड पेपर कर वापस एक कोट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. और पेपर से एक बार उसको भिज देंगे. और फिर यहाँ पे जो ये वाला स्पेस हमने खाली छोड़ा है उस पर लगाएंगे एक वॉलपेपर. तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसके बाद. तो ये एक कोट हमारा पेंट हो चुका है और अब मैंने इसको सूखने के लिए दिया है. मेरे ख्याल से सूखने में इसमें 2-3 घंटे लगेंगे. और साथ ही साथ मैंने ये भी पेंट किया है. ये पहले पिंक था, तो ये देखिए आप अंदर का कलर. इसको मैंने वाइट पेंट किया है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें पेंट थोड़ा बाकी है. और इन दोनों को भी पेंट किया है. ये पहले ब्राउन था और अब ये वाइट हो गया है. इन सब पे मैं एक बार सैंड पेपर घिसूंगी, उसके बाद ये एक कोट और पेंट होगा, फिर उनका
फाइनल लुक मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये हमने कल एक कोट इसमें पेंट कर दिया था, उसके बाद रात भर इसको सूखने के लिए दिया है और अब सुबह वापस इस पर पेंट कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सैंड पेपर से हमने घिसा है ताकि हमें रफ लुक मिल जाए इसका। और माइनस, वाह बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सर। जैसा लुक तुम्हें चाहिए था वैसा आ रहा है? बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, बिगिनर्स के लिए ठीक है। सब सबने किया था, मुझे लग रहा है कि कलर का जो कोट है वो ज्यादा ब्राइट है, थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चलेगा। नहीं ठीक है, मेरे ख्याल से इसको रफ इतना ही सही है कि और थोड़ा सा घिसूं। मैंने सब घिसने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये वाला तो खाली छोड़ा है तो इसमें तो स्टिकर, इसमें हाँ स्टिकर लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं कर रहे। नीचे वाला घिसना है या छोड़ना है? नीचे वाला मेरे ख्याल से इसमें बस पहले सैंड पेपर घिस लेते हैं। तो ये स्नेहल सैंड पेपर एक डायरेक्शन में घिस रही है क्योंकि ऊपर हम लोगों को बहुत बढ़िया फिनिश मिला और हम लोग बेसिकली ये खुद कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो सैंड पेपर एक डायरेक्शन में और उस पर एक बहुत हल्का सा पेंट का कोट, ताकि जिससे ये पूरा प्रोमिनेंट दिखेगा। हाँ, ये कल के पेंट का सरफेस है और उस पेंट पर स्नेहल हल्का सैंड पेपर चला रही है, अच्छा फिनिश आ रहा है स्नेहल। और एक बहुत स्लाइट पेंट करोगे इसके बाद तो ये ऐसे भी देखने में अच्छा लग रहा है, जब से तुम इसमें ये लगा रहे हो ना भी देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये पेंट हमारा हो चुका है, इस पे हमने सैंड पेपर दोबारा से घिस दिया ताकि हम लोग को जैसा रफ लुक चाहिए था वैसा रफ लुक एग्जैक्टली आ चुका है। ये देखिए, ये कॉर्नर्स एजेस जो भी था हमने एकदम फाइनली जितना भी हमसे हो सकता था हमने इस पे सैंड पेपर चला करके एक रफ लुक दिया है। और जो पेंट है वो भी हमारा पूरी तरह से सूख चुका है। उसके बाद भी हमारा वॉलपेपर है जो हम यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं पूरे पे तो नहीं, कहीं कहीं हम यूज कर रहे हैं इसको। ये अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जहां पे हमने लगा दिया है वहां का देखिए ये लुक आया हुआ है, ये रहा। और बाकी अब मैं टॉप पे इसको स्टिक कर रही हूँ, ये रहा ये वॉलपेपर। उसके बाद एक बार जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाता है मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ उसका। तो ये टेबल हमारा रेडी हो चुका है, जो वॉलपेपर था वो हमने लगा दिया है। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आप भी अपने घर पे कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ज्यादा खर्च भी नहीं आता इसमें और बाकियों से थोड़ी डिफरेंट भी लगती है। माइनस व्हाट यू वांट टू से? I wanted to say the finish has come better than what we were expecting. So actually this wallpaper is really rustic and nice. So this one I think has a touch of roughness as well. And this is our great learning experience. In fact, this is our first experience if you're doing something of this kind. The look has come out really nicely where you can see these two sides and in the middle we have kept it since there was nothing in the middle where we could paste it. But yeah, it looks really nice. I'm loving it. तो ये हमारा टीवी टेबल है और अभी पूरी तरह से रेडी हो चुका है, हमने इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लिया है। और बस मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलूंगी, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।